हाँ साथियों, लघु गणक का हमने लघु गणक एक, लघु गणक दो, लॉगरिथम एक, लॉगरिथम दो के अंदर आप लोगों ने देखा था जो हमने किया है पहले, कि उसके अंदर लघु गणक का इंट्रोडक्शन, लघु गणक की प्रस्तावना के साथ साथ में हमने लघु गणक दो के अंदर लघु गणक की बहुत सारी संक्रियाएं, उनके लॉज देखे थे। लघु गणक के लॉज के बाद में अब लघु गणक का सबसे मुख्य पार्ट आज हम देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम ऐसी ऐसी गणनाएं जिसको मैं पहले लघु गणक एक के समय भी मैंने आप लोगों से कहा था और लघु गणक दो के समय भी मैंने आप लोगों से कहा था, वो आज हम उसको पूर्ण करने वाले हैं। और आज आप समझ जाएंगे कि वो मैंने क्यों कहा था कि कुछ गणनाएं ऐसी होती हैं जो किसी कैलकुलेटर के द्वारा संभव भले ना हो, परंतु उसे आप सीधे सीधे कैसे उसको कलन कर सकते हैं, कैसे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉग के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा लॉग के बाद थोड़ा सा दो तीन बातें और रह गई थी उन्हें हम समझ लेते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिस्ता, पूर्णांक, लॉग के पूर्णांक और भिन्नांक कैसे निकालते हैं, पूर्णांक और भिन्नांक निकालने। देखिए, ये लॉग है 55-25, लॉग 55-25 को के लॉग टेबल के अंदर जब भी हम जाते हैं तो उसके लॉग टेबल में हमेशा इकाई का अंक ही पॉइंट के इधर होना चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए, एक से ज्यादा डिजिट इधर नहीं होने चाहिए, बाकी डिजिट इधर ही होने चाहिए। दशमलव के इधर एक डिजिट होना चाहिए, दशमलव के बाद में बाकी सारी डिजिट होनी चाहिए, और केवल चार डिजिट को लॉग टेबल, सामान्य लॉग टेबल देख पाती है। हम देखते हैं 55-25, लॉग 55-25 को हम निकालते हैं। देखिए 55 किधर है, 55 नीचे है, यहां 55 है, ठीक है। 55 पे जाइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 55-25 निकालना है, 55 है ही, 2 देखना है आपको, 0, 1, 2, 74, 19, और ये 2 देख लिया आपने, 55 देख लिया, 2 देख लिया, 5 देखना है, 5 देखना है, तो 55 पे जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 4 लिखा हुआ है, वो 4 इसके अंदर जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1923, 74, 73, 23। तो ये 74-23 ये आया आपका। ध्यान देना, लॉग की टेबल में जो आंसर आता है, जो देखने का निकलता है, जो उसका निकलता है रिजल्ट, वो हमेशा पॉइंट से होता है स्टार्ट, और इसका रिजल्ट होता है वो 5.525 का। लेकिन संख्या तो ये थी, तो इस संख्या को पहले इसमें बदलो, इसमें बदलोगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा आपको 1000 का, और फिर बाद में इसको 1000 का आपने भाग दिया है तो फिर आपको 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा इसको सही करने के लिए। 1000 का भाग दिया तो ये बन गया, 1000 से गुणा किया तो 0 के बाद कितने 0 है, 3 0, 10 की घात 3, ये आ गया। तो दोनों गुणा करने पर ये आता है, राइट। तो इसका मान ये आया, अब इसका मान ये आया लेकिन आंसर ये नहीं है, क्योंकि ये भी तो कुछ अस्तित्व रखता है, मतलब रखता है। तो 3 जो है ऊपर घात की जो 3 है ये बनते हैं पूर्णांक, तो ये जो घात होती है ये तो होती है पूर्णांक। टेबल देख के जो निकलता है वो उसमें उसमें होता है आपका, उसमें ये होता है भिन्नांक, भिन्नांक, ठीक है। सब में सबका भिन्नांक यही होगा, सबका भिन्नांक यही होगा, सबका भिन्नांक यही होगा टोटल, लेकिन पूर्णांक अलग अलग हो जाएंगे। इसको जब ये बनाएंगे हम 5.525, कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, दो अंक के तो पॉइंट को उठा के दो अंक इधर लाना है ना, 100 का भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, 10 की घात 2 जाएगी, और ये 2 क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो ये पूरा इस प्रकार से आपका कहलाएगा, राइट। यहां वैसे ही 10 की घात 1 होगी, 1.7423 कहलाएगा। यहां ये है, ऑलरेडी है, जो चाहिए वो है, जो चाहिए वो है, तो 100 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, तो 100 के ऊपर 0 घात है, 0.7423, 100 के ऊपर 0 घात क्या होती है, एक ही तो होती है ये। अब इसको बदलना है इसमें, तो इसको भाग नहीं देना, कि इससे गुणा करना, 10 से गुणा करना, 10 से गुणा करोगे तो उसको बराबर करने के लिए 10 का भाग भी देना पड़ेगा, 10 से गुणा किया तो ये बन गया, भाग दिया तो 10 की घात -1, -1।
अब लिखेंगे कैसे, ये तो लिख लिया आपने, माइनस वन लिखना है, माइनस वन लिखना है तो वन के ऊपर बार लगा दो, यहां सौ का भाग दिया दस के ऊपर माइनस दो, दो के ऊपर बार लगा दो 0.7423, यहां एक दो तीन के इधर लाना पॉइंट को, एक दो तीन के उधर लाना पॉइंट को, दूसरी घात तीन लगाना माइनस की, तीन के ऊपर बार। तो पूर्णांक और भिन्नांक इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं लॉग टेबल के। अब एंटी लॉग टेबल की बात करते हैं हम, एंटी लॉग, एंटी लॉग टेबल में जब भी होगा वो पॉइंट के बाद का होगा 7432। हम देखते हैं एंटी लॉग के टेबल, एंटी लॉग के टेबल ये, और देखना था हमें 7423 का, 7423 देखते हैं कहाँ है, 74 ये रहा, ठीक है 74 में दो 0 1 2 55 21, उधर तीन चलते जाइए, 1 2 3 तीन में आ गया चार जोड़ेंगे 5 2 5 5, तो 55 25, ये 55 25 आ गया। पॉइंट के बाद का होता है आंसर हमेशा ऐसे आएगा, और जो ये पूर्णांक है ये चले जाएंगे यहां। यदि आपको एंटीलॉग निकालना होता, मान लीजिए एंटीलॉग निकालना होता 2 बार 0.7423 का पॉइंट, तो क्या होता है, आता तो वही 5.524, और 10 की घात क्या होता है माइनस दो, दो बार है ना माइनस दो, इसको हम कैसे लिखेंगे, तीन है तो 5.5525 × 1000 बराबर हो गया, पॉइंट हट जाएगा ना कैसे गुणा होगा, तो 5525 यहाँ पर आंसर। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये हटेगा तो नीचे सो आ जाएगा, और दो जीरो से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट इधर सरकेगा 0.05524 यहाँ पर। एंटी लॉग इस प्रकार से देखते हैं, लॉग हम इस प्रकार से देखते हैं और एंटी लॉग हम इस प्रकार से देखते हैं, ये दोनों चीजें देखनी आती है तो हम कोई भी फॉर्मूला कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। अब लॉगरिथम का एप्लीकेशन, सबसे महत्वपूर्ण भाग, एग्जाम्पल लेते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल लेते हैं। मान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + rate raised to power 10। मान लीजिए हमें, हम यूं बोले कि कितने समय में 12% ब्याज की दर से आपका जो मूलधन है वो दुगुना हो जाएगा, ये निकाल रहे डबल हो जाएगा, मान लो एक्स तो 2x हो जाएगा, 1000 तो 2000 हो जाएगा, तो हम मानते हैं एक्स था 2x हो जाएगा, राइट 1 + 12% 12/2, समय तो पता ही नहीं है, ठीक है एक्स दे लेंगे, ये 1 + 0.12 = 2x / x, इसकी घात तो टी थी, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या आएगा 1.12 × 10^(t)/2। यहां t निकालना है, यहां आपको t फाइंड करना है, 1.12 × 10^(t)/2, 1.12
रेस टू पावर टी इक्वल्स टू टू, या टी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लॉग लेंगे दोनों को, लॉग 1.12 टी की पावर बराबर दो, इधर भी लॉग लेना है, लॉग दो, टी इधर आ जाएगा, दो इधर आ जाएगा, दो लॉग 1.12 इक्वल्स टू लॉग टू, टी इधर आ जाएगा। तो टी की वैल्यू लेनी है, उधर ले जाएंगे, लॉग दो बटे लॉग 1.12, चेंज ऑफ बेस रूल निकालेंगे, तो या टेन दे लेते हैं इसका, और टेन इसका बेस है, वो बेस है, दोनों में सेम बेस ले सकते हैं आप, है ना, ईवी ले सकते हैं टेन, इसके वैल्यू लॉग 2.000 और यहां 1.120, तो बी 00 का लॉग कैसे देखेंगे हम, बी 00 और 11 बीस का, तो पहले हम लेते हैं बी 00 का, बीस पे नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा, बीस यहां है, बीस ये रहा, बीस 00 का बीस ये रहा, है ना, बी जीरो पे 30 10 और उधर जीरो होता ही नहीं है, वन से स्टार्ट होता है, तो 30 10 तो 30 10 लिख दीजिए, ऊपर आ गया आपका 30 10। बताया था मैंने इसका हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होता है लॉग लेते हैं जब, तो लॉग पॉइंट 30 10, आप 11 20 का लेंगे, 11 20 11 20 11 कहाँ, 11 और ऊपर है, 11 दो पे 0 11 0 1 2 0 4 9 2 0 4 9 2 0 4 9 2 आया, उधर 0 होता नहीं है इसे 0 को लेंगे, 0 4 9 2 तो ये आया आपका 0.0492 टी की वैल्यू। इससे इसको डिवाइड करना है, हम मान लेते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये लगभग 5 है, ऊपर लगभग 30 है, लगभग 5 है, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसमें, इसका भाग देंगे तो 492 का 6 पॉइंट समथिंग टाइम। तुम कह सकते हैं कि 6 साल में आपका जो मूलधन है वो डबल हो जाएगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एनुअल है तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो एक टफ सा क्वेश्चन ले लेते हैं, x इक्वल टू फाइंड आउट करना है 2.723 रेस टू पावर 50, ठीक है, इसको 50 टाइम इसको इसके गुणा करिए 10 बार ऐसा करके, इसको दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग x प्लस टू लॉग 2.723 की घात 50, तो हो गया लॉग 50 2.732, वो सूत्र लगा दिया ना मैंने कि log x to power n equals to होता है n log x, ठीक है। अब आपको 27 32 का निकालना है log, 27 32 का निकालना है, 27 इधर है ये रहा, 27 32 तीन दो 0 1 2 3 43 62। अब दो का देखना है, 1 2 3 5 6 3 4
43-65 आपका आया 43-65 50 गुणा 43-65 पॉइंट पहले इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 यहाँ पे दो पॉइंट है ना इसलिए पॉइंट पहले वो टेबल देखी नहीं आप 5 0 आ गया ये 0 25 के 5 हासिल लगी 2 5 के 30 और 2 32 हासिल लगी 3 5 3 15 और 3 18 हासिल लगी 1 5 20 और 1 21 पॉइंट के बाद संख्या कितनी 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ गया ये आया आपका लॉग एक्स हमें तो एक्स का मान चाहिए लॉग को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा एंटी लॉग निकालना है आपको 21.825850 एंटी लॉग देखते हैं हमें एंटी लॉग निकालना है 8250 का किसी का निकालना है 8250 यस तो 82 ये रहा 5 0 1 2 3 4 5 66 83 ठीक है अब आते हैं वापस आगे 0 है 0 देखना नहीं है तो ये हो गया 66 83 पॉइंट के बाद का देखा आपने इसे पॉइंट का लगाएंगे पॉइंट यहां लगेगा एंटीलॉग से देखा है ना एंटीलॉग देखा तो पॉइंट यहां लगेगा लॉग से एंटीलॉग में जाएंगे तो पॉइंट शुरू में और एंटीलॉग से लॉग वापस मेन में आएंगे तो पॉइंट यहां इनटू 10 रेस टू पावर ये जो है ना ये 10 रेस टू पावर दे जाएगी ठीक ये आपका आंसर है इसको खोल के लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए 6 21 है ना 21 3 तो इसको 0 हटाने के लिए चला गया तो 3 तो ये चला गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 ये आपका आंसर है इसका तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े कैलकुलेशन भी आप लॉग के द्वारा पूर्ण रूप से एक एक अक्षर सही नहीं तो लगभग लगभग दशमलव के 3 स्थानों तक या आगे जाकर ये बिल्कुल सही होती है और हम इस प्रकार से हम कठिन गणनाएं भी कर सकते हैं आज हमारा लघुगणक का पाठ संपन्न हुआ धन्यवाद